इंसान कहाँ कहाँ मिलता है, जानवर कहाँ कहाँ मिलता है। कर्सियोंग के इस घने पाइन फॉरेस्ट में मस्तियाँ करना कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें पैदल चलने का भी जो अपना अंदाज है और घने घने जंगलों से, वो क्या मजा आ रहा है। तो मस्तियाँ करने के लिए अगर चाहते हैं तो आइए फॉरेस्ट। और ये कोयल की जो आवाज़ है, गौर से सुनिए, अब देखिए, खुद जस्टिफाई कीजिए, क्या खूबसूरत नज़ारे। हेलो एवरीवन, आज आपको फिर से एक नए ब्लॉग पर लेके चल रही हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, चलिए आपको दिखलाती हूँ। ये जगह है आई लव चिमनी, और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक नया प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए चल दिए हैं। और ये जगह है विक्टोरिया, तो ये डाओ हिल्स के सबसे अपर एरिया में हम हैं, और ये चिमनी पार्क से हम चल दिए हैं। अभी आपने देखा भी आई लव चिमनी का पिछला ब्लॉग, आप चिमनी पार्क का देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और हम चल रहे हैं आपको विक्टोरिया स्कूल, जहाँ पर हॉन्टेड चर्च और स्कैरी वाला है, तो वो भी हम दिखाएंगे। चुड़ैल आती है रात में, लड़की की रोने की आवाज़ आती है, चलिए चल के वहीं पर सारा स्टोरी बताएंगे। और रास्ते में डियर पार्क, डियर पार्क होते हुए ले चलेंगे, और पाइन फॉरेस्ट होकर के हमारा बहुत खूबसूरत व्यू है, तो बहुत ज़बरदस्त। ये क्या नज़ारे हैं, क्या क्लाउड्स ट्रेवल कर रहे हैं साहब, ज़बरदस्त वाला व्यू है। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम एकदम घने जंगलों से चलने वाले हैं, पाइन फॉरेस्ट, उधर लेपर्ड्स वगैरह भी आते हैं, डियर्स, तो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। दिन में शायद नहीं मिलता है लेपर्ड देखने को, कभी कभी मिला है किसी किसी को, तो मेरे को मिलता है, मिलता है। हम घने जंगलों से चलने वाले हैं, चलिए वो घना जंगल भी दिखाएंगे। हम आए थे इधर से, नीचे से आए थे, हम इधर से आए थे, और हम चिमनी पार्क गए, और चिमनी पार्क से आने के बाद हम इधर से चलेंगे, इधर से तो हम चल रहे हैं डियर पार्क की तरफ। ये आपको अपडेट दे रहे थे कि हम फॉरेस्ट का रास्ता यहाँ से ज़रा प्रारंभ हो गया, डियर पार्क होते हुए विक्टोरिया स्कूल जाने का रास्ता थोड़ा सा मैंने, हाँ फॉरेस्ट ऐसा रास्ता है, मैं पिछले साल भी गया था, आप फिल्म ब्लॉग भी देखिएगा, लेकिन इस बार कुछ बेहतरीन अपडेट आपको मिलने वाला है। चलिए, एकदम घना फॉरेस्ट शुरू हो गया है, और पाइन ट्री का व्यू रोड की दोनों साइड मिलेंगे, और ये फॉरेस्ट वाला रास्ता बहुत डरावना रास्ता है, और दिल थाम के बैठिए, रास्ते में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिल सकते हैं। 4 किलोमीटर का ये पाइन फॉरेस्ट का रास्ता है, और पूरा ऐसा ही रास्ता, बारिश हुई है रात में, हम कर्सियोंग में ही नाइट स्टे किए हुए थे, आपको बताया भी होगा पिछला ब्लॉग देखिएगा, हम लोग होम स्टे कर्सियोंग में किए हैं, तो रात भर बारिश हुई है। कल हम लोग आए थे तो पूरा बादल था, क्लाउड्स वाली वो वीडियो आप देख पाइएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, हम तो क्लाउड्स देखने के लिए भी आए थे, तो क्लाउड्स और सनलाइट दोनों मिल रहा है। और अभी हम एकदम फॉरेस्ट होके जा रहे हैं, और रोड पर पानी जो आप देख रहे हैं, ये रात भर बारिश हुई है, लेकिन सुबह से वेदर बहुत ज़बरदस्त हो गया है। रात में तो मुझे लग रहा था कि वेदर नहीं क्लियर होगा, जिस तरह का स्थिति रात में थी, लेकिन यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है कि थोड़ा देर भी नहीं लगता है, और मैंने सब कुछ बदला बदला सा दिखता है, तो ये यहाँ की खूबसूरती है, इसीलिए पहाड़ों पर लोग आना पसंद करते हैं। भाई साहब, बहुत घना जंगल है, और यहाँ पर आदमी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे वही वाला गाना याद आ रहा है कि हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, तो ये वाला यहाँ का सीन है, सीन बहुत ज़बरदस्त है। देखिए रास्ते में बहुत देर से हम चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, इंसान कहाँ कहाँ मिलता है, जानवर कहाँ कहाँ मिलता है, तो हम सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए कि ये घने जंगलों से कितना स्कैरी आप फील कर रहे हैं।
यहाँ के खूबसूरत फॉरेस्ट पाइन फॉरेस्ट के में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ फैली हरियाली और पेड़ों से छनकर आती हुई धूप इस जगह को जादुई बना देती है। यहाँ की ताजगी भरी हवा आपको न केवल तरोताजा कर देती है बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी सुकून पहुंचाती है। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर शांति की तलाश में हैं तो आप सही जगह पर आए हुए हैं और यहाँ बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर ट्रैकिंग और नेचर वॉक का बिल्कुल आनंद लिया जा सकता है। यहाँ की घुमावदार पगडंडियों पर चलते हुए बहुत गहरा आपको इस जंगल से संबंध लगेगा कि महसूस हो रहा है। यह इस जगह की खासियत है तो पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कराता है। सुबह और शाम के समय यहाँ से दिखने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य किसी पोस्टकार्ड की तरह खूबसूरत होता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के नजारों को भी यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए परफेक्ट समय है कि आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में अगर आप आते हैं, प्लान करते हैं तो एक अलग यहाँ पर आप रोमांच अनुभव करेंगे। बहुत सारी यादों को अपने अपने साथ संजो के ले जाएंगे। ये यहाँ के फॉरेस्ट की खूबसूरती है। दार्जिलिंग का ये कुर्सियोंग में जो पाइन फॉरेस्ट है बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर शांति और सुकून के लिए लोग तलाश करते चले आते हैं और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में अगर आप हैं तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कुर्सियों का पाइन फॉरेस्ट अपने हरे भरे ऊंचे ऊंचे चीर के पेड़ों और ठंडी हवा के लिए मशहूर है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको शहर के शोर शराबे से दूर ले जाता है। और यहाँ की जो खूबी है कि जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए आप पेड़ों के बीच से आती ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ से हिमालय की बर्फ की चोटियां का भी अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, लेकिन अभी ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम अभी तो मैंने गर्मी और बरसात के समय आए हुए हैं। इसलिए यह जब दिसंबर जनवरी में आप आइएगा तो यही चीज आपको बर्फ की चोटी यहाँ से दिखाई देगी। और आप फोटोग्राफर के अगर शौकीन हैं तो या गर्मी हो या फिर ठंडी का समय हो, यहाँ आप फोटोग्राफी किसी स्वर्ग से कम नहीं महसूस कीजिएगा फोटोग्राफी करते हुए कि हम स्वर्ग की फोटोग्राफी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के रास्ते पर चलना एक खुद में बहुत बड़ा एडवेंचर है, आपको नेचर के बहुत करीब लाता है। यह खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट सिर्फ नेचर लवर्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप यहाँ अपने परिवार के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बहुत परफेक्ट जगह है यह। और यहाँ जो शांति है, यहाँ का जो शांत वातावरण, कुछ समय खुद के लिए आप यहाँ पर निकाल के आइए तो लगेगा कि जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की जो ताजगी है और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, गंदगी नाम की तो चीज ही नहीं है। और कितना मतलब पॉल्यूशन फ्री यहाँ पर एयर मिलेगा आपको, एकदम ताजगी वाली हवा मिलेगी। और यहाँ के रास्तों पर जो आप घुमादार रास्ते पर जब चलिएगा तो लगेगा कि रास्ते में पहाड़ों के नज़ारे भी आपको सफ़र का मैंने कई गुना आनंद देंगे। और देखिए लंबे लंबे पेड़ जो देख करके मन इतना आनंदित हो जाता है, ग्रीनरी से एकदम भरपूर यहाँ पर आपको यहाँ का आकर्षक व्यू मिलेगा। और यहाँ पर फोटोग्राफिंग के लिए भी बहुत परफेक्ट जगह है। आप यहाँ पर सुबह आ जाइए, 8 से 9 बजे के पास आ जाइए और अपने साथ कुछ रेडीमेड आइटम्स खाने का भी लेके आइए तो यहाँ पर आप रुक करके भी बहुत आनंद का क्षण बिता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ आइए या फैमिली के साथ आइए, बट आइए जरूर।
तो सोच क्या रहे हैं, प्लान कीजिए और सीधे चले आइए। बहुत अच्छी जगह है, आप आराम से यहाँ पर ड्राइविंग भी कर सकते हैं। काफी आनंदित करने वाला यहाँ पर प्लेस है, आप देख के ही इसका अनुभव वीडियो में कर रहे होइएगा, लेकिन जो चीज यहाँ पर आके आप महसूस कीजिएगा वो आप वीडियो में देख के नहीं कर सकते हैं। रास्ते जा रहा है, इधर से ही रास्ता मेरे को बता रहा है। तो हम आपको थोड़ा फॉरेस्ट का टूर करा रहे हैं। देखिए भाई साहब कितना जबरदस्त नजारा है यहाँ का, पाइन ट्री का बहुत जबरदस्त है। इस फॉरेस्ट से एकदम हम ऑफ रोडिंग करते हुए, इधर सड़क थोड़ी अच्छी हो गई है। अब देखिए ये फेंसिंग वायर लगाया गया है, पूरा पाइन ट्री का जबरदस्त व्यू है। ओफ गजब व्यू है, खूबसूरत नजारे दिख रहे हैं। और ये कुर्सियांग में है, और ऐसा फाइन फॉरेस्ट आपको फिर कहीं दूसरी जगह दार्जिलिंग के पहाड़ियों के आसपास नहीं मिलने वाला है। और कुर्सियांग तक पहुंचना आसान भी है, बहुत काफी आसान है। यह दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ट्रेन से आइए या आप अपने कार से भी आ सकते हैं और आसानी से पहुंच भी सकते हैं। रास्ते में पहाड़ के नज़ारे भी आपको सफर का मजा दोगुना कई गुना कर देंगे। और अगर पूरे साल में अगर बेस्ट समय अगर आपको बताया जाए तो यहाँ आप अक्टूबर से मार्च के बीच आ सकते हैं। तो अक्टूबर से मार्च के बीच का जो समय होता है ना, वो काफी अच्छा होता है, ठंडा होता है और खास अनुभव आप यहाँ से। डियर पार्क के पास पहुँच गया और हमारे लेफ्ट में डियर पार्क है। क्या इधर डियर पार्क है बाबू? डियर पार्क डियर रहता है, डियर है यहाँ? डियर नहीं है लेकिन डियर पार्क है। गुड, मैं पिछले साल आया था। तो ये है डाउ हिल सैटेलाइट जू पार्क दार्जिलिंग। तो नो एंट्री है, किसी कारण से बंद है। तो चलते हैं आगे, एंट्री यहाँ से है, यहाँ टिकट भी लगता है। ये है बच्चों का पार्क है, कुछ खास नहीं है, तो हम यहीं से दिखा देते हैं आपको। इसमें जा भी सकते हैं लेकिन बस सिर्फ बच्चे झूला झूल रहे हैं और कुछ खास है नहीं, तो हम यहीं से दिखा देते हैं। डियर पार्क, डाउ हिल पार्क नाम है इसका ना, डाउ हिल पार्क नाम है। बस बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और कुछ खास है नहीं, सी रैबिट्स वगैरह रहते हैं, डियर अब नहीं है इसके अंदर, डियर अब नहीं ना है, बस रैबिट मिलेगा। बस यही है, बच्चे यहाँ पर थोड़ा मस्ती करते हैं। तो हम आपको चला दिए, ये डाउ हिल पार्क है। हम डियर पार्क के गेट से थोड़ा सा आपको बच्चे मस्ती कर रहे थे वो व्यू दिखा दिए। मेन ये फॉरेस्ट का टूर बहुत ज़बरदस्त है। चलिए अब हम थोड़ा वहाँ चलते हैं, हॉन्टिंग चर्च के पास। वाओ जबरदस्त व्यू है, पाइन का बहुत जबरदस्त फॉरेस्ट है, बहुत जबरदस्त है, मजा आ गया। फॉरेस्ट होकर के चलना बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आ, बहुत बढ़िया, औसम औसम नजारे हैं इसके। आप देखिए, खुद जस्टिफाई कीजिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये कोयल की जो आवाज़ है, गौर से सुनिए, बहुत
बहुत जबरदस्त है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये फाइन फॉरेस्ट आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है, और यहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है, एक फोटोग्राफर के लिए लिया गया फोटो सपना सच होने जैसा है। यहाँ के क्लिक की गई तस्वीरें आपके सोशल मीडिया पर धूम मचा के रख देगी, तो क्या सोच रहे हैं आइए। तो अभी अभी हमें जानकारी हुई कि वो हॉन्टिंग चर्च जो है जो कुछ कारणवश क्लोज्ड है, तो इस पॉइंट को स्किप करते हैं और चलते हैं कुर्सियों के टी गार्डन की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप कुर्सियों आ रहे हैं तो पाइन फॉरेस्ट को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिए। ये जगह न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगी बल्कि आपकी ट्रिप को भी यादगार बना के रख देगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हमेशा से कनेक्ट रहिए। हम फिर से एक नए ब्लॉग में आपके साथ होंगे, और अगला ब्लॉग बनाने वाला है कुर्सियों का जो जबरदस्त टी गार्डन है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको यहीं से बाय बाय करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आ रहा है। बाय बाय।